हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं लिट्टी चोखा बनाने वाला हूँ। तो क्या क्या चीज़ लगेगा, कैसा कैसा प्रोसेस बनाने का तरीका, ठीक है, आप लोग देखो। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। फर्स्ट ब्लॉग है, सपोर्ट करना भाई लोग। थोड़ा देखो तब मैं क्या क्या बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ। ये मैंने आटा ले लिया, ये सत्तू, ये थोड़ा इसका जो मसाला है लिट्टी का मसाला, नींबू, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू करो, देखो तब आप लोग को पता चलेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, तो सब कंप्लीट हो गया, अदरक लहसुन लेमू इधर का तो सब कंप्लीट हो गया। मेरा यहाँ पे लोड सेटिंग हो गया, तो बस ख़त्म हो गया लाइट। ये जो मोबाइल का फ्लैश है, इसी से कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो कंटिन्यू देखते रहो। तो बस इसको अब इसमें डालना है। ये सबको इसमें डाल के इसको मिक्स करके रख देना है, ठीक है, फिर आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग का मिश्रण बन के तैयार हो गया सत्तू का, ठीक है। अब मैं आटा गूंदूँगा, ठीक है। आटा गूंदने के बाद फिर मैं जहाँ इसको इसमें पैक करूँगा, ठीक है। तो मैं आटा में गूंद लिया हूँ, ये एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसमें ये जो सत्तू है, इसमें मैं गोल गोल लैया करके इसमें इसको डालूँगा, ठीक है। तो अब मेरा ये सब लोई के अंदर सत्तू भर दिया हूँ। अब इसको मैं गर्म पानी में खोलाऊँगा, ठीक है। उसका बाद में इसको तेल में छान के डिश कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं ये गरम पानी बैठा दिया हूँ, ठीक है। अब इस ये गरम हो जाएगा ना, तो फिर मैं इसको यहाँ पे डालूँगा, सिद्ध करूँगा। गाइस, पानी गुनगुना हो गया, अब मैं इसका अंदर एक एक लिट्टी को सर्व कर दूँगा। अब ये सब लिट्टी रेडी होगा, इसको मैं कुछ देर के लिए उबाल लूँगा बस। तो गाइस, एट लास्ट लिट्टी चोखा बनकर रेडी हो गया है। तो आप लोग देख ही सकते हैं कैसा क्रिस्पी लिट्टी बना है, इतना प्रोसेस के बाद ये चोखा सिंपल सा। बस तब अभी हम लोग खाएंगे, एंजॉय करेंगे, ठीक है। टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगा।